हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शांतनु और आप देख रहे हैं इंटरेस्टिंग गूगल ट्रिक्स के पार्ट वन और पार्ट टू में आप लोगों का काफी सारा रिस्पांस मुझे मिला है, इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं गूगल ट्रिक्स पार्ट थ्री। इंटरेस्टिंग गूगल ट्रिक्स पार्ट थ्री के फर्स्ट जो ट्रिक्स है वो है गूगल स्पेस, जो आपको गूगल में जाके टाइप करना है और करना है सर्च, और फर्स्ट जो लिंक है उसे करना है ओपन। चांद के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो गूगल में जाके टाइप कीजिए गूगल मून और कीजिए सर्च, फर्स्ट जो लिंक आएगा उसे करना है ओपन। गूगल मार्स, जो आपको गूगल में जाकर टाइप करना है और सर्च करना है, जो फर्स्ट लिंक आएगा उसे करना है ओपन। अगर आपको काफी सारा नंबर एक साथ दे दिया जाए और उसको कहा जाए कि इनवर्ड में वो कितना होता है, मतलब कितने लाख, कितने करोड़, कितने थाउजेंड होता है आपको बताओ, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको गिनना होगा कि कितने लाख कितने करोड़ हो रहा है। वही चीज गूगल एक सेकंड में कर देगा, सिर्फ गूगल में जाके वो नंबर टाइप कीजिए, करने के बाद वहाँ डालिए इक्वल्स टू, ठीक है, और उसके बाद लिखिए इंग्लिश ENGLISH और कीजिए सर्च। देखिए यहाँ पूरा आ गया है 832,687,092, है ना दोस्तों, कमाल का ये ट्रिक्स। क्या आप गूगल का थोड़ा टेढ़ा करके देखना चाहते हैं? अगर आपके आंसर हाँ है तो गूगल टिल्ट टाइप कीजिए गूगल में और कीजिए सर्च, और जो फर्स्ट वाला लिंक है उसे करना है ओपन। अब देखिए ये गूगल आपके लिए टेढ़ा होकर बैठ गया। तो फ्रेंड्स, गूगल का इन्वेंशन हुआ था 1998 में। क्या आप देखना चाहते हैं कि शुरुआत में 1998 में गूगल कैसे दिखता था? तो गूगल में जाकर टाइप कीजिए 1998 गूगल और सर्च करना है, फर्स्ट जो लिंक है उसे करना है। आप काम करने के बीच में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहते हैं, थोड़ा सा गेम खेलना चाहते हैं, अगर आपके आंसर हाँ है तो सिक्स नंबर ट्रिक्स आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है, जो आपको करना है गूगल में जाके गूगल पैकमैन टाइप करना है और सर्च करना है, ठीक है, और ये लीजिए आपका गेम। नेक्स्ट ट्रिक्स देखने के लिए आपको गूगल में जाके ये टाइप करना है और करना है सर्च, ठीक है, अब जो फर्स्ट लिंक है उसे करना है ओपन। ट्रिक्स पार्ट थ्री के 9 नंबर ट्रिक्स है स्पिनर। अब देखिए यह स्पिन हो रहा है, एक नंबर आया, दूसरा एक चीज इसको इधर कीजिए सिलेक्ट, अब इसे कीजिए स्पिन, है ना काफी मजेदार ट्रिक्स, छोटा है लेकिन काफी मजेदार है। अगर आप फ्लाइट में ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो ये ट्रिक्स आपके लिए फायदेमंद है, तो वो देखने के लिए आपको जाना होगा गूगल में जाकर गूगल फ्लाइट टाइप करना है और करना है सर्च, फर्स्ट जो लिंक है उसे करना है ओपन। अब दोस्तों ये आ गया पूरा फ्लाइट का डिटेल्स, अब ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका डेस्टिनेशन, ठीक है, ये हो गया आपका डेट, और फिर करना है सब फिलअप करके फिर करना है सर्च। नेक्स्ट ट्रिक्स है कॉन्वेस गेम ऑफ लाइफ, जो सर्च करने पर ही देखिए दोनों तरफ एक जेस्चर आ गया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है देखने में। अगर आप क्विज में इंटरेस्ट रखते हैं तो गूगल में जाकर टाइप कीजिए, आप देख लीजिए क्विज और सर्च,
अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन है व्हिच एनिमल आर यू, और यहाँ फिर एक क्वेश्चन है, उसके हिसाब से चार चार आंसर है। जो आंसर आपको देना होगा उसके हिसाब से गूगल आपको बताएगा कि कौन से एनिमल के साथ सिमिलर आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ट्रिक्स है वो काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो देखने के लिए मार्किव एचटीएमएल टाइप कीजिए और कीजिए सर्च। अब देखिए दोस्तों, ये जो रिजल्ट है ये जनरली स्टेबल रहता है, लेकिन यहाँ राइट से लेफ्ट मूव हो रहा है ना। तो गाइस, इंटरेस्टिंग गूगल ट्रिक्स पार्ट 3 के 14 नंबर पर है कलर पिकर, जो आपको टाइप करना है और करना है सर्च, ठीक है। यहाँ आपको एक कलर का बॉक्स दिख रहा है, आप अगर चाहते वो कलर तो यहाँ आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपका मनपसंद कलर। और उसका जो RGB CMYK के होगा वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ आप अगर फोटोशॉप पे काम करते हैं तो वहाँ RGB CMYK का जो वैल्यू होगा वो अगर वहाँ टाइप करेंगे तो आपको सेम कलर दिख जाएगा। तो फ्रेंड, लास्ट का जो ट्रिक्स है वो आपका बहुत ही काम का ट्रिक्स है, ठीक है। अगर आपको कोई प्लस या फिर माइनस या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करने बोलेंगे तो आप कैलकुलेटर निकालेंगे, या फिर आपके पास कंप्यूटर होगा तो उसमें कैलकुलेटर निकालेंगे, नहीं तो मोबाइल पे कैलकुलेटर निकालेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आज एक आपको अभी एक ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ जिसके लिए आपको कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो क्रोम होगा या फिर जो ब्राउज़र होगा उसके एड्रेस बार में जाइए, अगर आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कुछ भी करना चाहते तो यहाँ से हो जाएगा। जैसे सैंपल के तौर पर मैं यहाँ दिखाता हूँ, ठीक है। अब अगर माइनस करते हैं तो देखिए यहाँ आंसर आ गया है, ठीक है। अब आप कितना भी लंबा दे नंबर, इसके बाद मल्टीप्लाई करें, ठीक है, उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो हुआ ना दोस्तों, ये बहुत ही आपके काम का ट्रिक्स। सो गाइज, ये था गूगल ट्रिक्स पार्ट 3। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और आप ये ट्राई कीजिए ये ट्रिक्स। कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वो आंसर दे दूंगा। और आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए। और ये था पार्ट 3, मैं जल्द ही पार्ट 4 लेकर लौटूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।